हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल फन रिपीट। आज हम आपको ले चल रहे हैं इंडिया के स्कॉटलैंड यानी कुर्ग, जहां पे आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग वाटरफॉल्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, मोनेस्ट्रीज, और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ एक वीकेंड में। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, ट्रैवल फन रिपीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में आप देखेंगे हाउ टू रीच कुर्ग, प्लेसेस टू विजिट एंड वेरियस एडवेंचर एक्टिविटीज, यहाँ पे अवेलेबल फूड ऑप्शंस, बेस्ट सीजन, वेयर टू स्टे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ट्रिप का अप्रोक्सीमेट बजट। हमारे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के अलावा भी अगर आपका कोई और ट्रैवल क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। We have replied to thousands of travel questions. आपका रिप्लाई भी जरूर आपको मिलेगा। आइए जानते हैं कि आखिर कुर्ग पहुंचे कैसे। अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन मैंगलोर, जो कि कुर्ग से 110 किलोमीटर है, और मेजर बड़ा एयरपोर्ट बैंगलोर है, जो कि 240 किलोमीटर है। इन दोनों सिटीज से आपको कुर्ग के लिए इजीली बसेस या फिर टैक्सीज मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर है, जो कि 108 किलोमीटर है। मैसूर बस स्टैंड से भी कुर्ग की डायरेक्ट बसेस आराम से मिल जाएंगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको साउथ इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी से ओवरनाइट बसेस इजीली मिल जाएंगी। और इन सबसे अलग, इफ यू आर अ रोड ट्रिप लवर और अपनी व्हीकल से जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में थोड़े से खराब पैचेस को छोड़ दें तो रोड कंडीशन अच्छी है। ट्रैवल लवर्स के लिए कम्युनिटी टैब में हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बारालाचा पास कनेक्ट्स विच टू इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। इसका सही जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, और मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक गलत जवाब दिया है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट सी कि कुर्ग में घूमने और करने को क्या क्या है। कुर्ग की लाइफलाइन है यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स और उसमें लोकेटेड कॉफी एस्टेट्स, वाटरफॉल्स और भी बहुत कुछ। आपकी ईज के लिए मैंने यहाँ की बेस्ट प्लेसेस को मैप पर मार्क कर दिया है, जिसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। आप यहाँ राजा सीट जा सकते हैं, जो कि सिटी सेंटर में है। यहाँ का पैनोरामिक व्यू इज अमेजिंग। इसी के साथ यहाँ पे गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन भी है। राजा सीट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है सिटी म्यूजियम, जहां पर आप इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ सर करियप्पा से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं वेरी फेमस एब्बे वॉटरफॉल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। डू क्लिक सम पिक्स, पर याद रहे कि यहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है। इसके बाद आप यहीं की तिब्बतन मॉनेस्ट्री जा सकते हैं, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉनेस्ट्री है। नेक्स्ट आप दोबारे एलिफेंट कैंप जा सकते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग, एलिफेंट सफारी और भी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 से शाम 5 तक की है। और अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप तडियानमोल पीक जा सकते हैं। सनसेट और सनराइज दोनों ही यहाँ पे सिंपली अमेजिंग है। कुर्ग ऑल वेदर डेस्टिनेशन है, बस आप मॉनसून में जाना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉटरफॉल से रोड्स स्लिपरी हो जाते हैं। वेयर टू स्टे की बात करें तो बेस्ट रहेगा अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा दूर स्टे करें। आई स्टेड इन हनी वैली रिजॉर्ट, जहां पे उनका प्राइवेट वॉटरफॉल भी है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। डू स्टे इनसाइड कॉफी एस्टेट्स, इट्स रियली ऑसम। आइए नेक्स्ट जानते हैं यहाँ पे अवेलेबल फूड ऑप्शंस के बारे में। वैसे तो यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अब आप साउथ इंडिया में आए हैं तो यहाँ का इडली, डोसा, सांबर, चटनी एंड चॉकलेट टी जरूर ट्राई करिएगा। डू ट्राई ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड हियर, और ये सब आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है बजट। लोकल साइट सीइंग में खर्च की बात करें तो बेस्ट रहेगा कि आप सेल्फ ड्राइव बाइक या कार रेंट पर ले लें, विच इज चीप एंड बेस्ट ऑप्शन।
एक्टिवा अप्रोक्स 500 रुपये पर डे के रेंट पे आपको मिल जाएगी। फूड बहुत कॉस्टली नहीं है और 600 से 700 रुपये पर डे उसमें खर्च होंगे। होटल्स यहाँ पर आपको हर रेंज में मिल जाएंगे। एक डिसेंट अच्छा होटल आपको 2000 में आराम से मिल जाएगा। आने जाने का डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके मोड ऑफ ट्रैवल पर। एक बार आप कुर्ग पहुंच गए तो आपकी वीकेंड ट्रिप अराउंड 6 से 7 हजार में आराम से हो जाएगी। अब बारी हमारे ट्रैवल क्विज के सही आंसर की। बारालाचा पास कनेक्ट्स हिमाचल एंड लद्दाख। सो सही जवाब है हिमाचल एंड लद्दाख। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस हु गॉट इट राइट। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, ट्रैवल फन रिपीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें।